हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं पूरब झा की एक अनदर वीडियो, सौरभ दी वेडिंग। पूरब झा, ओके भाई, सौरभ के पीछे कौन कौन नहीं पड़ा? मीमर से उसके पीछे हाथ पैर ना धो के, मतलब हर चीज घिस घिस के धो के उसके पीछे पड़ गए हैं, है ना। उसके पूरे परिवार का ऐसा मीम टेम्पलेट बना रखा है। खैर यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। ओए, सौरभ जोशी की शादी हो रही है। टाइट 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 टाइट। बॉनिटा, बहुत टेस्टी। बॉनिटा, ओके, रोलिंग। सर रेडी। सर, Hey guys! अरे चुप करो, तुम्हारा व्लॉग नहीं चल रहा है। मैंने तो सही कहा था, रेडी उन्होंने hey guys ही बोला जाता सबको। सर, it's okay. So this is your pre-wedding video interview. कुछ questions, उसके कुछ answers दे दीजिएगा। So Saurabh, you are getting married. कैसा लग रहा है? भैया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी तो हम ब्लॉगर्स को कार डिलीवरी लेते टाइम भी नहीं होती है, जितनी मुझे आज हो रही है। एक मिनट, आप मैम को गाड़ी से कंपेयर कर रहे हैं? इन्हें भी 6 महीने बाद वापस कर देंगे क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा बाबू है, बाबू भैया नहीं जो हर 6 महीने बाद चीजें लौटाने लगे। रोस्ट कर दिया। ओके, सो सौरभ, इनके आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, कुछ बताएंगे? हाउ आर योर डेज लाइक? नया मजी नहीं। अरे तेरे गांव में लठिया दिलवाई, अभी जा रही पुलिस में। आज अगर लठिया ना दिलवाई तो मेरा नाम भी नहीं, तेरी माँ। तेरी माँ क्या? वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। रोज रोज सुबह ब्लॉग बना ले, आज तुझे मारूंगी। गाले, आज तुझे मारूंगी, आज मारूंगी। गाले, गाले। अरे नो, अरे तेरी आमा चाचा जी, थैंक यू पीयूष। अरे क्या कर रहे हो अम्मा जी, क्या कर रहे हो? चाचा जी मैं बताता हूँ, मैं तो ऐसी ब्लॉग बना रहा था और अम्मा जी मुझे मारने लगी, पागल बुड्ढी। अरे सुबह सुबह आ जा रहा कैमरा लेके मेरे मुंह में घुसा रहा, चैन से खा रही थी चाय पकौड़ा, तभी आ गया ये। दादी नहीं प्लीज, चुप 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 करो। अरे मुझे चुप करा रहा तेरे, मैं तुझे भी चाप लूंगी। अरे राम, ये वो गाली देने वाली आंटी को सौरभ जोशी की अम्मा बना दिया। कौन से खून, चाचा जी। अरे ये छोड़, ये बता कि ये सीन व्लॉग में रिकॉर्ड किया नहीं किया? चाचा जी ये सब थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं, आपको इतनी गाली पड़ रही थी, आपके कान से खून आ गया। नो 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 नो। अरे और क्या, यही तो रिकॉर्ड करना था, यही तो वायरल कंटेंट है। टाइटल लिखता व्लॉग में कि चाचा जी के साथ अम्मा ने ये क्या कर दिया। अब व्लॉग का कंटेंट क्या बनाएंगे अगला? बेचारे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं बाबा जी, वो नहीं करूंगा मैं। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, नहीं। सौरभ सौरभ सौरभ, लकवा मार गया भैया। मतलब इसके आने से पहले लाइव दाल थी, इसके आने के बाद उसमें तड़का लग गया। अरे नीचे क्यों चलेगी, आ जाओ आ जाओ। तो सौरभ आप दोनों मिले कैसे? अम्मा जी की वजह से। तो हे गाइस, गाइस
आजमगढ़ पे बोर हो रहा है। सौरभ अगर देख रहा होगा ना इसे, मैं अकेला नहीं आया हूँ गाइस, खुद के साथ सोच रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा उसे। अम्मा जी, अम्मा जी आप क्या खा रहे हो? अरे मैं तो चाय पापे खा रही हूँ, पर तू तो जंगली का गू ही खाएगा। जंगली का गू ही खा जाएगा क्या पूरा? ट्रैक को नीचे रख दे, नहीं मैं कच्चे को चाप लूंगी पूरा ही, नीचे रख। अम्मा जी मैं तो सही व्लॉग बना रहा हूँ। अरे तू चुप कर जा जंगली, ये क्या व्लॉग बनाता रहता है? अम्मा ने पापे खा लिए, अम्मा ने लड़के छेड़ दिए, अम्मा ने स्नेक बाइट कर ली, अरे कुछ अच्छा बना लिया कर। अम्मा जी आप ही मुझे बता दो मैं क्या बनाऊं? अरे क्या बनाएगा? ये देख। ए बेटा, ए अरे तेरी माँ का बछड़ा फट जाएगा। कहा कह रही हो माँ? मो को कह रही हो? अरे तुझे क्या, तुम सबको कह रही अपनी माँ डालो, हटो यहाँ से, मेरे पोते डालो, आओ पोते को पिटवाएगी अम्मा। वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी तो जंगली आ जा, नहीं बेल आइकन समझ के दबा देंगे तुझे, जल्दी बैठ, आ जा, नहीं चल जल्दी चल, फोन निकल, नहीं चल जल्दी चल, हाँ फोन निकल, अबे फोन निकल, जल्दी निकल। अरे देखो मेरा मोटा सौरभ ने अनप्लैंड मीटअप रखा और कितनी सारी भीड़ लग गई, लोग आ गए, देखो देखो। अरे बोल ना जंगली। हाँ गाइस, हमारी बिल्कुल ट्रू कह रही हैं गाइस, ये देखो गाइस मेरे कितने सारे फैंस मिलने आए मुझसे, तो गाइस ये लोग मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, लेकिन मैं अभी बाहर नहीं जा सकता गाइस। हाँ हाँ मिलूंगा मिलूंगा। अरे शांत हो जा, मेरा पोता आ रहा है, ये गंदे फैंस। आई लव यू टू, आई लव यू टू पागल। अम्मा जी आपके भी फैंस आए हैं। अरे बेटा नमन, अरे तेरी माँ को मेरा आशीर्वाद, आशीर्वाद। मैं गंदी बात नहीं बोलती। अम्मा जी यहाँ पे हमने भीड़ लगा दिया, तो अब चलते हैं वरना पुलिस आ जाएगी, और भीड़ लगा के पुलिस के पास जाने का काम तो फ्लाइंग बीच भी आ गया है। अरे देश का धोनी। अम्मा जी ये तो बेस्ट कॉन्टेंट हो गया, कौन होता है तेरी माँ का? सॉरी 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 सॉरी, तू ना चेप मत हुआ कर मेरे से, ठीक है? ब्लेड बाजों को जानती हूँ, तेरे मुंह पे ब्लेड मरवा दूंगी मैं। और इतनी पप्पी शप्पी लेनी है तो गर्लफ्रेंड बना ले, मेरे से क्यों चेप होता है? गर्लफ्रेंड नहीं अम्मा जी, मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता इन सब के लिए, और वैसे भी मैं तो अभी बच्चा हूँ ना। तू बच्चा है, तेरे पास दाढ़ी नहीं आती, पूरे शरीर पे बाल है तेरे कोने कोने में, ठीक है? देख सौरभ तू इतना हर जगह घूमता है तो घूमते घूमते ही अपनी गर्लफ्रेंड बना ले ना, पार्टनर बना ले। अरे वाह, कैसे चिल्ला रहा कुत्ती खाने के? अरे तेरी अम्मा का, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। है भगवान, सारी मेम टेम्पलेट इसी में घुसे बन गया। अरे अरे देख कैसे बेचैन कर रहा कुत्ती खाने का। अरे अरे मर गई मैं, अरे तेरी माँ का थोड़ा। अम्मा जी को ज्यादा स्क्रीन टाइम ही दे सकते, वो क्या है ना, माँ बहन चाची ताई सबको हिचकी आने लगती हैं, वो सबको स्ट्रॉन्गली याद करती है ना। एक बार अम्मा जी मुझे कहती कि तेरी फूफी का फालूदा काट के तेरी गा। और चल समझ गए सब, उनको बता। सो या इट ऑल हैपेंड विद हैपन। सो प्रपोजल के बाद घर में क्या सीन्स थे वो बताइए। सो हे गाइस, गाइस मैं और कुचिकू बेबी गाने के शूट से वापस आ गए हैं, क्योंकि हमें घर की बहुत याद आ रही थी। गाइस आज हम घर पे मम्मी के दाल चावल खाएंगे। ला 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 ला। गाइस ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में, लगता है किसी का ब्याह होने वाला है। ए अरे अम्मा जी, अरे राम अरे राम, मैं जीत गई। अम्मा जी यार, अम्मा जी ये क्या 24 घंटे करती रहती हो, ये सब क्या उम्र है ये सब करने की? अच्छा तेरी
रहा है? तेरी उम्र भी पढ़ाई लिखाई की है तो क्यों म्यूजिक वीडियो में घुस जाता है हर जगह? आ तेरी म्यूजिक वीडियो बनवाऊं और डालूं ब्रदर्स पे। आ अम्मा जी मैं अरे तू खानी के शादी करनी थी तो बाहर कर लेता, मेरा कमरा क्यों छीन लिया? अभी अभी जारी सबकी रिपोर्ट लिखवा रही पुलिस में। एक मिनट रुक, व्हाट शादी? हेलो हेलो, हाँ सारी लाइटें लग जानी चाहिए आज, नहीं तो एक रुपए नहीं मिलेंगे किसी को भी। घर का असली मर्द होने पे कितनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं यार। और ये हलवाई वाला कहाँ पे है यार? अरे भाभी भैया, भाभी आ गए आप? व्हाट भाभी, अरे किसकी शादी की बातें चल रही है कुनाली? मेरी और अम्मा जी की। अरे तेरा कुत्ते फेल कर दूंगी मैं। अम्मा जी मजाक कर रहा हूँ। आपकी और गौरव दा की शादी आपकी देख ली हमने इंस्टाग्राम फोटो। गॉड कुनाली, अम्मा जी मेरी बात सुनिए। अरे बातें होती रहेंगी, आप घर पे ही तो आ रही हैं। आजिए अम्मा जी, आज लहंगा दिखाते हैं आपको शादी के। मैं लहंगा पहनूं? मैं बैकलेस करूंगी। बैकलेस? सुन तू शादी कर ले चाहे कुछ भी कर ले, इस चैनल का फेस पीयूष था और वही रहेगा। This is not right. Saurav, this is not right. तुमने सबको बताया क्यों नहीं कि वो फोटो कोई वेडिंग प्रपोजल नहीं बल्कि सॉन्ग प्रमोशन का फोटो शूट था? अरे देख 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 कैसे चूतिया काट रहा, अभी अभी तेरे को नंगा दौड़वा रही, तेरे को उठ रही मैं, अभी तेरी मैं जान ले लूंगी। ये सब तो शादी की तैयारियों के पहले बताना था ना। अरे हमें बताने का चांस ही कहाँ मिला, गाने की शूट से आए नहीं कि आप सबने अपनी अपनी संगीत परफॉर्मेंस रेडी कर रखी है? हाँ मैंने और कुनाली ने तो पूरे स्टेप भी याद कर लिए आकर के। हम भी सोए हैं हम भी जागे। रुक जाओ अम्मा जी और तुम लोग, चलो ठीक है कुछ चीजें इधर उधर हो गई पर शादी करने में बुराई क्या है, कर लो, बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, कर लो। मैच्योर सिर्फ मैं हूँ। बेबी तुम ये सब क्यों बोल रही हो, मैं भी तो मैच्योर हूँ, इतना मैच्योर मेरे हिसाब से तो मैं ठीक हूँ, पता नहीं तुम्हें ऐसे क्यों लगता। सौरभ तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर बेंटन की घड़ी गिफ्ट की थी और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे फोर आर्म्स की आवाज निकाल के दिखाऊं, ये मैच्योर हो तुम? हाँ तो ठीक है, तुम्हें तुम्हें नहीं लगता मैच्योर तो शादी कैंसिल कर देते, कैंसिल कर दो शादी। सौरभ दा लौटा लौटा का लो मेरा, शादी कैंसिल नहीं हो सकती, हलवाई से लेके घोड़ी वाले तक सबको पेमेंट जा चुकी है। ए कुनाली चुप कर, बड़ों के बीच में बात नहीं करते, जा वो नया गेमिंग पीसी आया तू जाके अपना गेम खेल, चल गेम खेलो तुम, असली मर्द तो इधर जुआ खेलते हैं। ये लो दादी काटो। आए एक काटिक काटू। अरे क्यों नहीं हो सकती शादी, अरे व्लॉग का कंटेंट इतना बढ़िया बन जाएगा, 15 व्लॉग बनाएंगे कम से कम और हर एक व्लॉग पे 10-10 मिलियन व्यूज आएंगे। अरे इतना मोटा पैसा है और वैसे भी शादी कैंसिल नहीं कर सकते, वेन्यू वालों को पैसा जा चुका है, कार्ड बट चुके हैं। सौरभ बेटा समझाओ यार। एक मिनट, मिस्टर पीयूष भी कुछ बोलना चाहता है। मैं ही शादी के लिए तभी मानूंगा जब सौरभ दा अपनी सुहागरात वाली ब्लॉग मेरे साथ शूट करेंगे। अरे इस तोते की चोंची फाड़ दूंगी आज। अरे अरे अभी तेरे से अपना खेत जुतवारी में। अरे ये क्या बोलता है ये कुत्ता? एक मिनट, ये क्या गलत कह रहा है, है? कम से कम अच्छी अच्छी ब्लॉग अच्छा कंटेंट तो डालेगा, ये गुखानी का क्या डालता है? परसों इसने पता है क्या डाला अपनी ट्रेंडिंग वीडियो, चाचा ने चाट लिया सेंधा नमक। ओ लठुए हंस क्या रहा है, सेंधा नमक क्यों चाटा तूने, बता बता, नहीं मैं चाप दूंगी पूरा तुझे, बता चाप दूंगी। अरे समझा ले बहू को, बहू मान जाना। अरे आई एम नो बहू। बेटे यू आर बहू, सौरभ खानदान के इज्जत का सवाल है। चाचा जी का नहीं खोलता है। समझाओ बोला कुछ तो बोल बहू को। अरे नहीं सुन, हे भगवान समझा दे बेटे से, समझा दे उसे, कर ले ना चाचा जी, नहीं बोल करो तो बोल बहू को। ओके ओके लेट्स गेट मैरिड। सौरभ कर लेंगे मैनेज, छोड़। Just because परिवार को content चाहिए इसलिए तुम शादी कर लोगे? So, are you guys excited for the marriage?
हाँ, उनके फेसेस से बहुत पता चल रहा है काफी एक्साइटमेंट झलक रही है पर हैप्पी मोमेंट। नाइस डेकोरेशन, शी इज लुकिंग कूल ब्यूटीफुल। दादी ढोल वाले पे बैठी है, आई मीन ढोल पर बैठी है, सॉरी ढोल वाले पर बैठी। सौरभ अरे आओ, अरे वही साड़ी वही, अरे फ्लाइंग बीस्ट है, वैसे तो क्रैश लैंडिंग हो रही है चैनल पे है। अरे दो टट्टे आ गए, अरे हर्ष भाई का, हर्ष भाई को भी ले आओ यार, अरे टट्टे कासा पहले वेंकट यही है क्या बाबू भैया, किसने बुलाया पार्टी में, अरे जोकर भैया, बाबू भैया, बाबू भैया, अरे बाबू भैया, बाबू भैया, यार कटारिया साड़े ने पैसा तो कैड़ा खर्च किया ब्याह में, यो भी करे क्या कोई सट्टे जुए का प्रमोशन, पता ना यार, चल यार कुछ खा के आवे, भूख लगेगी, आजा। आप दूल्हा दुल्हन की कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? सोड़े ओए कटारिया, साफ 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 मार सारे कटारिया इसको, वरना फिर जेल जाएगा। अरे चाचा वे मार 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 मार। अरे सालो डांस ही तो करने आया था, अरे किसी ने रिकॉर्ड किया क्या, व्लॉग में डाल देंगे कि हाँ एल्विस ने चाचा के साथ ये क्या किया। पीयूष वेस्ट पीरा, वाओ पीयूष तेरे को पता है आज मैं जो कुछ भी हूँ ना अपनी मेहनत से 200 रुपए महीने कमाता था, और आज देखो इतना सब कुछ है मेरे पास, लेकिन इस बात का घमंड नहीं है मेरे को, मेरी एक ही माँ है उसकी कसम खा के कहता हूँ। एक ही माँ मतलब सबकी एक ही माँ होती है, हमने क्या पिन कोड के हिसाब से माँ रख रखी है। मेरा माथा मचट का, मेरा मूड वैसे ही सही नहीं है, मुझे पता है इस शादी के बाद ना मेरा करियर पूरा खत्म, क्योंकि शादी के बाद सौरभ दा तो उसके साथ घूमेंगे ना, भाभी के साथ, भाभी मेरा फेम वो खाएगी अब। सैड, काश हम कुछ कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्यों कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान मेरे साथ। एक मिनट, हम कर तो सकते हैं। ए! पीयूष मैं पीडोफाइल दिखता हूँ, मैं हूँ नहीं। तुझे कुछ आग लगाने वाला कंटेंट चाहिए? बता 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 क्या क्या क्या? शादी में हुई मौत। ओए धीरे बोल, धीरे, खुद ही चिल्ला रहा है। सौरभ दा के बीवी को जहर पिला दे, सोच क्या कंटेंट निकलेगा, इससे तेरा भी काम बन जाएगा और मेरा भी, उसका क्या का काम बन जाएगा, वो अरेस्ट हो जाएगा, तू माइनर है बेटे। इससे बढ़िया पता है किस पे व्यूज आएंगे? किस पे? पीयूष ने करी अपनी भाभी को मारने की बात। आ साले, अबे हट वो चू। हाँ भाई क्या है खाने में? सर दूसरों के नाम पर फेम और व्यूज छोड़ के बाकी सब है खाने में, पता नहीं आप खा पाओगे कि। अरे नहीं नहीं अब तो पेज मिलियन पार हो गया है, अब तो खा लूंगा नॉर्मल खाना मैं, लगा तू। हाँ यार साढ़े कटारिया चाय वा पिए। अरे ओए कौन है, एली भाई आया है, एक सेक्सी सी चाय वाय पिला दे यार। अरे कौन है यार यहाँ, आजा साढ़े ओए डॉली चाय वाला। हेलो जय
जाए जॉली, पी ले चाय भाई डॉली। कटारिया यार, यो सड़ा ऐसा ना लग रहा जिसे काट के मच्छर को भी डेंगू हो जा। तू क्या ज्यादा लाड में आ रहा है क्या? तेरे को मालूम नहीं क्या डॉली के आगे ज्यादा मत भोको वरना मुंह में दे देंगे चोको। अरे वो साड़ी हुई, तेरे सिस्टम में पेन ड्राइव डाल दूंगा अभी। किससे बात कर रहा जानता तू? मेरे को मालूम है, मैं खुद से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ और तू भी मैं हूँ। अबे साड़े क्या बोले जा रहा, तेरी बुआ का सिस्टम हैंग करूँ? तू और मैं दोनों मैं हूँ, समझा है? अरे तेरी नाम का कुत्ता पालू, तुम दोनों मैं ही हूँ। अबे ओ चिलगोजो, क्या बहस कर रहे हो? सबको पता है तुम तीनों मैं ही हूँ। अबे मैं हूँ, मैं ही हूँ, तुम तीनों, समझ गए? ओ क्या राय यहाँ यार, मैं हूँ, मैं हूँ, अबे मैं, अबे अबे मैं। वाओ, व्हाट अ शॉट। हेलो रितु। हेलो। अरे ये साला तो शादी का व्लॉग डाल के हमसे आगे निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हम ना अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं, व्लॉग भी काट लूंगा मैं। अरे पागल है क्या, बच्ची है वो। अरे तो क्या हुआ, राजस्थान में करा देंगे शादी, बोलो। तुम ना हवा में प्लेन उड़ाते ही ठीक थे, धरती पर ना तुम्हारा दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा। कभी साइकिल लेकर निकल जाओगे, कभी फार्मर बन जाओगे। फोन रखो। ये क्या हो गया? अम्मा जी, सौरभ, बेटा सौरभ क्या हो गया? अम्मा जी मुझे लगता है मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। अरे लठुए क्या बोल रहा है तू, कुछ बोला क्या उसने तेरे से? नहीं, लेकिन मुझे सब समझ आ जाता है। मैंने उसको मैसेज किया कि तू मेरी बैल, मैं तेरे सिंह, मुबारक हो तुझको तेरी मेरी वेडिंग। तो मुझे लिखती थैंक्स। अरे गू खानी के, जो तूने बोला है ना उसको मेंटल हैरेसमेंट बोलते हैं। वो तो अच्छी लड़की है कि उसने सामने से नाइस और थैंक यू बोल दिया। मैं होता तो अभी तेरे को पुलिस में दे देती, लठिया दिलवा देती। मैं होता तो तुम्हारे मजाक मत करो, पकड़ा गया। मैं उसे जानता हूँ, जब भी वो एक्साइटेड होती है मेरे को टेक्स्ट पे टेक्स्ट, टेक्स्ट पे टेक्स्ट करती है। और आज हमारी शादी है तो थैंक्स। अबे वो थकी हुई है, शादी है, मुझसे जबरदस्ती शादी तो नहीं कर रही मुझे और मेरे घर वालों को बुरा ना लगे, इसलिए शादी तो नहीं कर रही मुझसे। देख सौरभ बेटा, अगर ऐसा है तो ये शादी रोक दे, क्योंकि जबरदस्ती की शादी बेटा मतलब हाईवे पर गाड़ी भगाना। अच्छा इतनी देर से? अच्छा वो जब शादी की बात कर रही थी तब से कर रही थी वो? पक्का ही पक्का। बेटा तू एक काम कर, तू उसको भगा ले जा। नहीं नहीं अम्मा जी, मैं तो आज भी अपनी सुसु करने वाली जगह को मेन पॉइंट कहता हूँ, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? नहीं सौरभ बेटा, तेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती का रिश्ता बनता ही टूटने के लिए है। और सुन बेटा, तेरी अम्मा तेरे साथ है, तेरे को अगर सातवें फेरे से पहले भी डिसीजन चेंज करना हो तो एक बार आवाज लगा दियो, अम्मा जी। इसलिए आवाज लगाई थी? मुझे लगता है मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अबे बीच मंडप को बीच फेरों में छोड़ के जाएगा, काट के नीचे बजाऊंगी मैं। तेरे को अगर सातवें फेरे से पहले भी डिसीजन चेंज करना हो तो एक बार आवाज लगा दी, अम्मा जी। ये ले, आ गई लठुए। सौरभ क्या है, क्या हुआ है? बेबी मैं हमारी गाड़ी क्रैश नहीं होने दूंगा, हम शादी तब करेंगे जब तुम्हारी मर्जी हो। ये चलो। कहाँ चलो, क्या कर रहे हो? चाचा जी मैं अभी आपको बताता हूँ क्या हुआ। बोलो पेंसिल। पेंसिल। हमारी शादी कैंसिल। अरे तेरी माँ का घोसला, इधर आ रहा, तेरी म्यूजिक वीडियो ऑन मांगी मैं, आ जा। Ha ha ha!
मिनी कूपर लठू है, जल्दी आ जा, जल्दी आ, जल्दी आ, अरे भूखानी का जंगली का सौरभ की शादी में ये क्या हो गया? Oh my God, that was so nice, यार, so so nice. बेचारा सौरभ भी सोच रहा होगा कि हाँ इतना कंटेंट तो मैं नहीं सोच पाता जितना इन लोगों ने मेरे लिए सोच दिया. Clearly guys, clearly मतलब पूरब झा भाई ये इंसान नहीं है, ये एक मोल्ड है, लाइक साचा जिसे बोलते हैं. ठीक है, कोई सा भी कैरेक्टर उसमें लिक्विड की तरह डालो वो एकदम आपको मर्करी की तरह फैल जाता है, बिल्कुल शेप ले लेता है वैसा, है ना. मुझे समझ में नहीं आता भाई इतनी एक्यूरेट मिमिक्री कैसे कर लेता है, मुझे नहीं समझ में आता. खैर यार इस बार सौरभ दार ने भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की, बहुत मजे दिलाए, बहुत जबरदस्त था. एंड उनकी गर्लफ्रेंड ऑफकोर्स She was too good, too good. देख देख बाबू भैया भी आए थे और पीयूष कितना किलस रहा है, कितना ज्यादा किलस रहा है, मेरा प्रेम ले जाएगी ये वो ऑफकोर्स है. पहले पीयूष 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 सौरभ के ब्लॉग में सिर्फ पीयूष 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 रहता था. ठीक है, अभी कुनाली 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 रहता था. अभी नया कोई मेंबर आ जाएगा तो फिर वो हो जाएगा ना, ये साइकिल चलती रहेगी. और जितने पुराने मेंबर्स हैं वो तो किलसते ही रहेंगे कि हाँ पहले मैं चेहरा था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया. सो भाई जेलस होना तो लाजमी है. ठीक है, सुपर वीडियो, बहुत ही जबरदस्त थी. आई वाज सो एंटरटेन्ड बाय दिस, लवली. सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा. अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.